या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सर, आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है? हजरत जी, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? ज़ोमैटो वाली वीडियो हटेगी या नहीं हटेगी? आपने मेरी ऑडियो सुनी, आपको मैंने आंसर भेजा था, वगैरह वगैरह किस्म के लोगों के सवालात आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी ज़ोमैटो के बारे में कि उससे गोश्त खरीद कर खाना या नॉनवेज खरीद कर खाना जायज़ है, जिसके जवाब में लोगों ने काफ़ी मुफ्तियान इकराम के, काफ़ी तो नहीं लेकिन बाज़ मुफ्तियान इकराम के ऑडियो क्लिप भेजे थे कि जिसमें उन्होंने बताया था कि गैर मुस्लिम से गोश्त खरीद के खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो ज़िबा वगैरह या कलमा वगैरह नहीं पढ़ पाते, इसीलिए उनसे ख़रीदा नहीं जा सकता। और बाज़ मरहूम उलमा के ऑडियो क्लिप भेजे थे कि काफिर से ख़रीदा गया गोश्त नहीं खाया जा सकता, बाकी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह खाई जा सकती हैं। तो इसके बारे में मुझे क्या कहना है? तो जो वीडियो ज़ोमैटो के बारे में मैंने बनाई थी जिसमें गोश्त खाने के ताल्लुक से बताया गया था, तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना। वीडियो का जवाब सही है तो इसलिए वीडियो अभी बरकरार रहेगी, उसको हटाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अगरचे आपने ऑडियो भेजी है, मैंने सुन ली है, उसमें मुझे कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मुफ्तियान इकराम के बज़ाहिर आपको ख़िलाफ़ लग रहे होंगे आंसर, लेकिन फिर भी जो वीडियो ज़ोमैटो के ताल्लुक से है, मैं उसमें बिल्कुल वजाहत कर दूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त है और उस मसले में ना तो रुजू की ज़रूरत है ना ही वीडियो हटाने की ज़रूरत है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।